नमस्कार। तो रूस्टर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज मैं शर्मसार हूँ एक हिंदुस्तानी होने के लिए, आज मैं शर्मसार हूँ ये कहते हुए कि हमारे देश में भी बेटियाँ पैदा होती हैं। मैं शर्मसार हूँ उस सरकारी इश्तिहार को देखकर जहाँ पे लिखा होता है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। ये तमाम चीज़ें व्यर्थ हैं तब तक जब तक हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। चार दिन पहले की बात है, चेन्नई में एक बच्चे के साथ 22 दरिंदों ने बलात्कार किया, वो भी 7 महीने तक। कुछ महीने पहले आसिफा के साथ ऐसा हुआ, उससे कुछ दिन पहले हासिनी नामक एक लड़की के साथ ऐसा हुआ। 6 महीने की बच्ची, 30 दिन की बच्ची, 1 साल की बच्ची, 7 साल की बच्ची, 3 महीने की बच्ची, 3 साल की बच्ची। आखिर कब तक हम यूँ चिल्लाते रहेंगे और आप कब तक यूँ हमें सुनते रहेंगे? आखिर कब तक ये सरकार हमें यूँ ही बहलाती फुसलाती रहेगी? आखिर कब तक हमारे देश में एक कड़ा कानून बच्चियों के प्रति होने वाले बलात्कारों के खिलाफ नहीं आएगा? आखिर कब तक फांसी की सज़ा फांसी में तब्दील नहीं होगी? आंकड़ा ये बताता है 2016 तक 1,33,000 केसेस दर्ज हैं सिर्फ और सिर्फ रेप के हिंदुस्तान में। यही आंकड़ा ये भी बताता है 85% ऐसे केसेस हैं जो अभी भी पेंडिंग हैं। निर्भया का केस ऐसा हुआ जिसमें कि फांसी की सज़ा सुना दी गई लेकिन अभी भी वो लोग जेल में हैं, उनको फांसी नहीं दी गई है। ऐसे कई केसेस हैं जिनको फांसी की सज़ा सुनाने के बाद भी उनको फांसी की सज़ा नहीं दी गई है। आखिर सरकार या फिर पुलिस महकमा किस चीज़ का इंतज़ार करता है, किस अच्छी घड़ी का इंतज़ार करता है कि आप इनको फूलमाला पहनाएं और इनको फांसी पे चढ़ाएं? ये घटना है मुजफ्फरपुर की। मुजफ्फरपुर में एक संगठन है, एक जगह है, एनजीओ है, जिसका नाम है सेवा संकल्प एवं विकास समिति। इसकी जो नींव रखी गई थी वो रखी गई थी सन 1997 में। ये भी कहा जाता है ये जो समिति के जो लोग हैं, जो आला अधिकारी हैं, जो इस संस्थान को चलाते हैं, वो बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश जी के बहुत करीबी हैं। ये एक ही ऐसा एनजीओ नहीं है जो इस तरह के काम में डूबा हुआ है। बिहार में हज़ारों ऐसे एनजीओज हैं जो कि किसी न किसी दबंग के नीचे काम करते हैं। ये दबंग अपने काम को निकालने के लिए इन बच्चियों का सहारा लेते हैं, इन बच्चियों की भेंट चढ़ाई जाती है, उन राजनेताओं के पास भेजा जाता है, उन आला अधिकारियों के पास भेजा जाता है जो दरिंदे हैं, जिनको बच्चियां नहीं नज़र आती हैं, जिनको बच्चियां एक शरीर नज़र आती हैं। चाहे वो बच्ची 6 साल की हो, चाहे वो बच्चे 16 साल की हो, इनके लिए वो बच्ची सिर्फ एक शरीर है जो इनके कुछ पल के मज़े के लिए काम आती हैं, जिनके एवज पर ये काफ़ी फ़ायदा पहुंचाते हैं इस तरह के एनजीओज का। यहाँ पे वो बच्चियाँ रहती हैं जिनके सर से छत छिन चुकी है, जिनका ना आगे कोई है ना पीछे कोई है। ये ऐसी बच्चियां हैं जो समाज में और कहीं नहीं जा सकती थी, ये यहाँ पहुंच गई गलती से, ये सोचकर कि ये हमारा घर है और यहाँ के जो लोग हैं वो हमें बेहद प्यार करेंगे और यहाँ के जो लोग हैं वो हमें सुरक्षित रखेंगे। इन बच्चियों को ये शायद ज़रा भी इल्म नहीं था कि यहाँ पर इनके साथ इस तरह का व्यवहार होगा, इनको इस तरह से एक खूबसूरत पार्सल बना के उन राजनेताओं के पास भेजा जाएगा, उन बड़े अधिकारियों के पास भेजा जाएगा जो इनका शोषण करेंगे। आज मैं शर्मसार हूँ ये कहते हुए कि मेरे आसपास भी बच्चियाँ रहती हैं, मेरे आसपास भी बेटियाँ रहती हैं। क्या आपको नहीं लगता इन जैसे दरिंदों के नाम तस्वीरें सामने आनी चाहिए? आखिर कब तक नीतीश की सरकार और मोदी जी की सरकार इन सबके नामों को छुपा के रखेगी? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के जो लोग ऑडिट करने के लिए जब यहाँ पहुँचे, यानी सेवा संकल्प एवं विकास समिति पे पहुँचे ऑडिट करने के लिए, वहाँ पर इन कुछ बच्चियों ने अपनी आपबीती सुना डाली। इन लोगों ने उस बात को बेहद गंभीरता से लिया और अपनी रिपोर्ट बनानी शुरू करी। एक के बाद एक ये लोग जाते रहे वहाँ पर, अलग अलग सारी लड़कियों से लोगों ने बात करी। जो बात इनके सामने आई वो दिल दहला देने वाली थी, जिसको इन्होंने उजागर किया। यहाँ तक ये कहा जाता है कि ये जो खबर है, ये जो रिपोर्ट है, ये नीतीश सरकार के पास मार्च के महीने में ही भेज दी गई थी और अब जुलाई का आखिरी हफ्ता आने वाला है। नीतीश की सरकार ने ये जानते हुए भी कि
ये रिपोर्ट इस तरह से आई है जो बेहद गंभीर है। नीतीश की सरकार ने किसी भी तरह का कोई कार्यवाही नहीं करी। वहाँ आरजेडी भी नीतीश सरकार की सहयोगी पार्टी थी, शायद उन लोगों को भी ये बात मार्च के महीने से ही पता होगी, लेकिन उन लोगों ने अब जाके अपनी आंखें खोली हैं, उन लोगों ने अब जाके अपनी आवाज़ उठाई है। हमारी नज़र इस पूरे घटनाक्रम पर तब तक बनी रहेगी जब तक एक भी ऐसा शख्स बच ना जाए जिसने इस पूरे घटनाक्रम में अपना जरा सा भी योगदान दिया हो। नीतीश जी अपनी ज़ुबान खोलेंगे, मोदी जी अपनी ज़ुबान खोलेंगे, देश को ये बताएंगे कि हमारी जो बच्चियां हैं, हमारे देश की बेटियां हैं जिन पर हमें गर्व है, और उस दिन हम भी कहेंगे कि हमें भारतीय होने में गर्व महसूस हो रहा है। आज मुझे बिल्कुल गर्व नहीं महसूस हो रहा है, क्योंकि हर रोज़ हर पल मैं ऐसी ही खबरें सुन रहा हूँ कि यहाँ पर रेप हुआ और वहाँ पर रेप हुआ, और मैं ये बिल्कुल नहीं सुनना चाहता हूँ। बने रहें हमारे साथ द रूस्टर न्यूज़, जो आपको तमाम खबरें दिखाता है जो सीधे आपकी जड़ों से जुड़ा हुआ होता है। सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको तमाम खबरें मिलती रहें जो हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाते हैं। धन्यवाद।